हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। 2050 का साल आज से करीब 28 साल दूर है। दुनिया का हर इंसान जानना चाहता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। हालांकि आगे की दुनिया कैसी होगी यह बता पाना मुश्किल है, लेकिन 2050 तक अगर दुनिया सुरक्षित रही तो वैज्ञानिक तौर पर दुनिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज हम इस खबर के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं कि साइंस और वैज्ञानिक के हिसाब से हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो पहला टॉपिक है जनसंख्या में वृद्धि होगी। 2050 तक दुनिया की आबादी कम से कम 9 अरब से ऊपर हो सकती है। वहीं भारत की पॉपुलेशन की बात करें तो भारत चीन से भी ज्यादा आगे निकल चुका होगा। 2050 तक करीब 75% जनसंख्या शहरों में बस रही होगी। शहरों में आसमान छूती हुई गगनचुंबी इमारतें बनी होंगी। इतना ही नहीं, हमें जमीन से ऊंची कई मंजिल ऊपर तक सड़कें बनी मिल सकती है। 2050 तक हरियाली कम होने के चलते कंक्रीट के जंगल बनाए जाएंगे। कुल मिलकर धरती पर जमीन इतनी कम हो जाएगी कि इमारतों के ऊपर खेती की जाने लगेगी। अमेरिका की एक रिपोर्ट की माने तो समुद्र का सी लेवल बढ़ जाएगा, जिसके चलते समुद्र किनारे बसे शहर जल में डूब जाएंगे। साथ ही 2050 तक 50% नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उस समय तक रोबोट से काम लिया जाएगा। 2050 तक चिकित्सा में इतनी तेजी आएगी कि मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगा। रिपोर्ट की माने तो 80 से कम उम्र वाला कोई भी इंसान नहीं मरेगा। इंसान का दिमाग इतना सुरक्षित होगा कि उसके दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर उसका डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा सकेगा। तकनीकी विकास के चलते कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां खत्म हो जाएगी। सभी प्रकार के बीमारियों के उपचार के लिए एक ही टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर मोबाइल पर ही घर बैठे बीमारी का इलाज करेंगे और फीस भी मोबाइल द्वारा ही ली जाएंगी, जैसे कि इस जमाने में हम लोग फोन पे गूगल पे यूज करते हैं। हम आज के समय में जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं वह सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कई गुना तेजी से चलने लगेंगे। पेट्रोल का ईंधन के रूप में प्रयोग बंद हो जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया जाने लगेगा। 2050 में उड़ने वाली कारें आने की संभावना भी नजर आने लगी है। कारों को उतारने के लिए किसी हवाई सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी व्हीकल कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। वहीं एक्सीडेंट होने की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम वाहन को टक्कर होने से पहले ही कंट्रोल कर लेगा, जैसे कि अब 2023 में भी एलन मस्क ने ऐसी कारें बना दी है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 2050 तक सेल्फ ड्राइविंग कार आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल के वक्त में किसी किसी देश में ये कारें चलने भी लगी है। दुनिया भर की कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कार के निर्माण में लगी हुई है। ये कारें सेंसर पर निर्भर होगी, जिसके कारण दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगा। फिलहाल कई देशों में सेल्फ ड्राइविंग मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है। 2050 तक हॉलीडे डेस्टिनेशन पिकनिक के लिए अमेरिका या सिंगापुर ही जाकर चांद और मंगल पर जाया जाएगा। चांद और मंगल ऐसे शहर बनाए जाएंगे जहां पर पेड़ पौधे होने के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी। इस पर नासा जैसी कई अंतरिक्ष एजेंसियां काम कर रही है। 2050 तक हमारा इसरो नासा से भी बड़ा हो चुका होगा। भविष्य में कई बड़ी वस्तुओं और हथियारों का निर्माण भी बेहद आसान हो जाएगा। 2050 में होलोग्राम टीवी आ जाएंगे। एक बटन दबाते ही यह होलोग्राम टीवी हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। अब बात करते हैं 2050 की स्कूलों की। 2050 तक स्कूल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। स्कूलों में बच्चों को भारी भरकम बैग लेकर नहीं जाना होगा। बच्चों के हाथों में टैबलेट या लैपटॉप होंगे, जिनमें सारी किताबें स्टोर होंगी। स्कूल के ब्लैक बोर्ड टच स्क्रीन वाले होंगे। स्कूलों की पेरेंट्स मीटिंग ऑनलाइन होगी। बच्चों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन होने लगेंगी। 2050 तक हम एलियंस और उनके ग्रह को खोजने में कामयाब हो जाएंगे। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी एक सामान्य ज्ञान पर आधारित है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ अमेजिंग टॉपिक लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।